नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच वन लाइनर करेंट अफेयर्स में वे तमाम महत्वपूर्ण करेंट के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जानते हैं कि 28 जुलाई 2020 में वे कौन कौन से तमाम करेंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। मार्कोस प्राडो ट्रायजो, ध्यान से देखिए, मार्कोस प्राडो ट्रायजो जो चर्चा में है किसके अध्यक्ष बनाए गए? तो आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ साथियों, आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। फिर से देखिए, मार्कोस प्राडो ट्रायजो किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए हाल में मार्कोस प्राडो ट्रायजो क्यों चर्चित रहे, तो आंसर हो जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बनाए गए। आइए जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में साथियों, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में हुआ था। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2014 में ब्रिक्स राष्ट्रों ने संघाई में की थी। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो इसका उद्देश्य है कि बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों की प्रतिस्पर्धात्मक विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। पिछले क्लासेस में मैं आपको ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में बताई थी। ठीक, तो आप अवश्य ही उसको ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स के देश नहीं है। तो आप इसका उत्तर पाने के लिए पिछले क्लास का अवश्य अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस देश के साथ भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता किया? हाल में भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता किया? आंसर हो जाएगा साथियों रूस। जी हाँ साथियों, आंसर हो जाएगा रूस। अब क्वेश्चन रूस से क्या क्या बन सकता है? पहले तो रूस से के सीमा से सटे जितने भी देश हैं उनका नाम आप ज़रूर आज भूगोल में देखेंगे। ठीक है, अर्थात जो मैं मानचित्र आपको बताई हूँ TT के मानचित्र, उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि भूगोल के सीमा पर कौन कौन से देश अवस्थित हैं। ठीक, दूसरा आप देखेंगे कि यूराल पर्वत किस देश में है। कमेंट बॉक्स में अपेक्षा है कि आप अवश्य यूराल पर्वत किस देश में है उसके बारे में आप बताएंगे। तीसरा देखिए, रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल, और बैकाल झील रूस आपके रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंद्र अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा भारत और रूस। तो जो तमाम मैं फैक्ट आप सभी को बता रही हूँ उनको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ? हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ? तो इसका साथी उत्तर हो जाएगा 7.4%। ठीक है, 7.4%। अब एक क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ये है, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। आप इसको जरूर याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य संभावना है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, इसको भी याद रखेंगे। मातृ मृत्यु दर कितनी कम हो गई? 7.4%, इसको भी आप जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं, भारत की प्रथम शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई, भारत की प्रथम शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई आनंद गुजरात में। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो अवश्य भी इसको भी याद रखेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साथियों, हाल में G8 से रूस को निकाल दिया गया था। हाल में G8 से रूस को निकाल दिया गया था जिसके कारण इसका पुनः नाम G7 हो गया। अभी इसका सम्मेलन होने वाला था लेकिन इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक, तो इसका सम्मेलन होने वाला कहाँ था? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों अमेरिका। प्राय परीक्षा में G7 से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है,
तो आप जरूर इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि G7 देश का सम्मेलन होने वाला था और स्थगित कर दिया गया, तो कहाँ पे सम्मेलन होना था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसको भूलेंगे नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी मैं तथ्य बता रही हूँ उन्हें आपको रटना ही होगा। और क्वेश्चन ये बनता है कि G7 के देश कौन कौन है। 7 का मतलब 7 कंट्री, ठीक। तो USA हो जाएगा पहला, USA, दूसरा फ्रांस, तीसरा कनाडा, चौथा ब्रिटेन, पांचवा जर्मनी, छठवा जापान, सातवा आपका ये रहा इटली, ठीक है। फिर से देख लीजिए, USA, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अब क्वेश्चन है, महान जून विद्रोह दिवस हाल में चर्चित रहा, महान जून विद्रोह दिवस हाल में चर्चित रहा, ये किस राज्य में मनाया गया? आंसर हो जाएगा साथियों मणिपुर, ठीक। फिर से सुनिए, महान जून विद्रोह दिवस हाल में बहुत ही चर्चित रहा, ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। आजकल मणिपुर में बहुत ज़्यादा कार्य किए जा रहे हैं और पुनः ये महान जून विद्रोह संपादकीय में चर्चा में रहा, इस वजह से इस क्वेश्चन को शामिल किया गया है। आप ज़रूर इसको याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान रहा, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान रहा, तो आंसर हो जाएगा 129वां, ठीक है। एकदम इस क्वेश्चन को भी रटे रहेंगे क्योंकि कई बार ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान रहा 129वां, ठीक। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इस समय बहुत ही चर्चा में है, ठीक। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया के बीच सीमा कौन सा लगता है, तो 38वीं समानांतर सीमा लगती है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी, किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी? तो आंसर हो जाएगा साथियों कर्नाटक, ठीक। तो आप इसको ज़रूर याद करेंगे जितने भी तथ्य आप सभी के बीच लाए जा रहे हैं। और साथियों बल्कि मैं तो ये कहूँगी कम से कम इस वीडियो को दो बार सुने ताकि जब आप मासिक करेंट अफेयर्स से संबंधित पत्रिका पढ़ें तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना आने पाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। साथियों विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बनी रिलायंस इंडस्ट्री, और पहली कौन सी है? सऊदी अरब की अरामको, ठीक। अरामको आपकी कहाँ की है? सऊदी अरब की है, जो ऑयल कंपनी है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा करने का औसत समय 314 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों इसका 114 दिन। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन अवश्य ही आने की संभावना है, ठीक। क्योंकि वर्तमान में जो परिदृश्य हो रहे हैं आवास निर्माण के लिए, तो उसमें ये काफ़ी हर एक दो दिन के समाचार पत्रों में ये खबर छपे ही रह रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों को पूरा करने का औसत कितना पाया गया, क्या है, और इस समय घटा दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि 114 दिन में इसको बनाना है, ठीक। क्वेश्चन है कि इसको आरंभ कब किया गया था, तो 20 नवंबर 2016 को आरंभ किया गया था, और इसका लक्ष्य है कि 2022 तक जो गरीब हैं उनको आवास की सुविधा मुहैया कराना। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से बन रहे हैं, उसको आप ज़रूर याद करेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने सड़क की स्थिति सुधारने के लिए कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, ठीक। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम बताइए, प्रथम तो ये हो गए जीसी मुर्मू, ठीक। और परियोजना कौन सा शुरू किए, ये देखिए, मैग डामिसाइजेशन कार्यक्रम, तो इसको आप ज़रूर याद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, 370 अभी हाल में हटाया गया है और उसको हटाकर कितने संघ शासित प्रदेश का निर्माण किया गया, तो 2। इस समय संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है 9, ठीक है। तो इन सब चीज़ को आप याद करिएगा, और बहुत जल्द आप सभी के बीच जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड मैं एक स्पेशल
वीडियो लाऊंगी जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जीसी मुर्मू को जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है परीक्षा में ये जरूर पूछे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिए हैं? तो आंसर हो जाएगा चीन। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सरकारी परमाणु संस्थान INEST के 90 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दिया? ठीक, तो आंसर हो जाएगा चीन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर हो जाएगा हरियाणा। फिर से सुने, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो वो हो जाएगा हरियाणा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत का स्थान रहा तीसरा। ठीक है, भारत में वनों की वृद्धि कितना हुई? तो आपका 0.38। ठीक, ये चीज़ आप बिल्कुल ही देखिए ध्यान से, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा तो चीन में बढ़ा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक, ये क्वेश्चन भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब ये बताइए कि ये जो कंटेनर हो रहा है, डबल कंटेनर जो इलेक्ट्रिक रेल लाइन के टनल के रूप में बन रहा है, वो उससे संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी आप जान लीजिए। हरियाणा में सोहना के पास अरावली हिल्स के अंदर ये बनाई जा रही है और इसका जो शेप है वो डी शेप का है। ठीक, और ये 1 किलोमीटर लंबी है। मेवात व गुरुग्राम को यह टनल जोड़ रही है। ठीक है, हरियाणा के आपका ये दिख रहा है ना, मेवात और गुरुग्राम को यह टनल जोड़ रही है। तो ये चार फैक्ट भी आप अवश्य ही याद कर ले। फिर से देखें, कौन सा देश विश्व की पहली डबल कंटेनर की इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल तैयार कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 168वां। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 168वां। प्रथम स्थान किसका है? डेनमार्क का है। प्रथम किसका स्थान है? डेनमार्क का। ठीक है, फिर से आप सुने, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 168वां। इस प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जरूरी आप ध्यान रखें। और इसके संबंधित और भी एक फैक्ट है कि अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे रहे। ये कितनी दयनीय स्थिति है। इसलिए अब आप सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि आओ एक पेड़ लगाए, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए, ताकि ये जो 168वां स्थान है वो हम बेहतर कर सकें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? भारत ने कब तक 60% अक्षय ऊर्जा प्राप्ति के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों 2030। ठीक है, भारत ने कब तक 60%, ये भी याद करना है आपको, अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को निर्धारित किया है? तो आंसर हो जाएगा 2030। ठीक है, अब आपको आज होमवर्क ये दिया जा रहा है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एनोस्मिया शब्द सुर्खियों में क्यों रहा? ठीक है, हाल ही में एनोस्मिया शब्द सुर्खियों में क्यों रहा? तो उसका कारण था गंध की हानि। अब इसके बारे में जान लीजिए क्या है ये। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार एनोस्मिया गंध का नुकसान और एजूसिया स्वाद का नुकसान को COVID-19 लक्षणों की सूची में जोड़ा गया है। अतः ये जो दोनों शब्दावलियाँ हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन कौन? एनोस्मिया जो कि गंध का नुकसान, दूसरा एजोसिया। ठीक, ये दोनों चीज़ आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। संभव है कि परीक्षा में लक्षण के क्रम में पूछ दिया जाए कि COVID-19 के लक्षण में ये शामिल है और उसमें गंध
का नुकसान के जगह पे एनोसमिया आ जाए और स्वाद के नुकसान के जगह पे आपका एजूसिया आ जाए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों, मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही नियमित रूप से अपने लक्ष्य की ओर परिश्रम कर रहे हैं, और पूरा भरोसा है कि आप न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक के साथ आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। साथ ही होमवर्क में आप सभी से अपेक्षा है कि आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य कब तक प्राप्त होना है, ठीक। और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही नियमित रूप से अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत परिश्रम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप जरूर 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 सफल हो। इसी के साथ मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।